जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके हमने यहां पर जानकारी जानने को मिलेगी कि ये भर्ती आपकी 1920 प्लस पदों पर निकाली है जिसमें कि 10वीं 12वीं डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग इस फॉर्म को 12 मई 2022 से लेकर के 13 जून 2022 तक भर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि तीन लेवल के अंदर ये वैकेंसी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। तीनों लेवल पर जो क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली 10वीं 12वीं और डिग्री ही होने वाली है। तो ये सब जानकारी आपको यहां पर चेक करनी है। चेक करने के बाद में आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहां पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर। इसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है SSC वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहां पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे आप उसका प्रोसेस जान लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए या कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीली मॉक टेस्ट लेकर के आया है जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये आपका मई 15 2022 को होने वाला है और पेपर की टाइमिंग आप यहां पर देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे और 2:30 बजे। ये आपका आप 11 सिटीज के अंदर अवेलेबल है जिन सिटीज के नाम यहां पर आप देख सकते हैं। तो आप इसके अंदर इनरोल हो जाइए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड AMZDD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले। इसके अलावा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपका यहां पर होने वाला है। ये आपका मई 22, 2022 सुबह 11 बजे रहेगा। इसमें भी आप इनरोल हो जाइए जहां पर आपको दोस्तों नॉलेज तो बढ़ाने का मौका मिलेगा ही, साथ ही आप यहां पर रिवार्ड्स भी जीत पाएंगे जो कि करोड़ों में काउंट होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इसको भी इनरोल कर लीजिए। पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स मई 22, ये भी आपके यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है UPSC CSE के लिए। इसमें आपके 25 MCQ क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं और एवरी संडे शाम 5 बजे ये होती है। इसमें भी दोस्तों आपकी अगर रैंक फर्स्ट से 3 रहेगी आपको यहाँ पर अनअकैडमी नोट्स प्लस आर्टिकुलेट मैगजीन जीतने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, साथ ही यहां पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले यह पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज
चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्टर नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल आती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो, तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थाई पता है वो यहां पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP गया है, आपको ये OTP यहां पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब यहां पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे फेज 10 सिलेक्शन पोस्ट आ चुकी है। अब आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपका 15 पॉइंट है जिसमें कि आपको रिलीजन टू विच दी पोस्ट बिलोंग रीजन सॉरी माफी चाहता हूं आपका रीजन
रीजन कौन सा है, तो आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है पोस्ट कोड, आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाइए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर के इन कोड के अंतर्गत कौन सी पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने वाली पोस्ट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं की योग्यता मांगी है और नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है। अगर आप कोई और पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला कोड सेलेक्ट किया, इसमें स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है क्या वो आपके पास है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ कि मैंने इसको रीड कर लिया है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, आप एग्जाम सेंटर के लिए किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों आता है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के आपको यहाँ पर पूछा कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाले आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ये उन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे जिन पोस्ट पर मांगी है। जैसे कि यहाँ पर है मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, तो अगर आप ऐसी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसमें कि ये मांगा है तो आपको इनका आंसर यस नो में करना होगा। अब जो ये एज है, एज में अगर आपकी एज ओवर एज हो चुकी है और आप एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट है तो तभी आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दें अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं। फिर आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट, जिस पोस्ट को आपने सेलेक्ट किया उस पर क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो ये वाली क्वालिफिकेशन जरूरी है जो कि यहाँ पर दी गई है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सब्जेक्ट में ये वाली जो सेकेंड क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर लिख दें और वही क्वालिफिकेशन लिखे जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जो पोस्ट मैंने सेलेक्ट किया है उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस की जानकारी भर दे रहा हूँ। डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बेसिकली जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसी पर ये मांगा है, आप सबसे ये जानकारी नहीं मांगी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कब तक आपने काम किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना, नीचे आकर के आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 11 फरवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सैंपल ऑफ फोटोग्राफ्स दिए कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के फोटो रिजेक्ट किए जाएंगे। आप यहाँ पर जो सैंपल है वो देख लीजिए, इस तरह के फोटो एक्सेप्ट होंगे और नीचे वाले रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर देता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर है वह सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर दे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने ये फोटो 11 फरवरी 2022 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दे। यस करने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करें और ये कैप्चर कोड फिल करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कर दे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो चुका है, आप यहां से ओके कर लीजिए या फिर यहीं से आप प्रिंट कर लीजिए। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, जब आप फीस जमा कर देंगे तो आप तभी अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो मैं यहां से इस फॉर्म को प्रिंट कर लेता हूं। इस प्रकार से आप लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।